हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं मीशो से एक प्रोडक्ट मंगवाई हूँ जो कि मेरे नए घर के लिए बहुत ही ज़रूरी था। और ये जो प्रोडक्ट है ये है की होल्डर। तो ये कुछ इस तरह से मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आया कैसा है। 204 रुपये अभी इसका MRP बता रहा है। जो प्राइस है ना वो मीशो पे घटते बढ़ते रहता है, तो मेरे प्राइस पे मत जाना। कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। और अभी क्या है, दशहरा और दीपावली का बहुत ऑफ़र चल रहा था। दशहरा तो ख़त्म हो गया नवरात्रि, अब दीपावली का ऑफ़र चल रहा है। उसके बाद ठंडी का ऑफ़र आएगा, उसके बाद नया साल का आएगा। तो ऑफ़र्स तो आते रहते हैं, बाकी आपकी जेब में कितने पैसे हैं वो डिपेंड करता है। तो मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो अपने बजट के अनुसार मैंने इसको ख़रीदा है। ये है की होल्डर। और मेरे घर चाबियां इधर उधर पड़ी थी, तो सबसे पहले जैसे ही मैं नए घर में आई तो मेरा ये सोचना था कि मैं क्या ऑर्डर करूं, सबसे पहले इस घर में मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने ध्यान दिया कि चाबियों का गुच्छा जो है वो कभी इधर कभी उधर रखा जा रहा है, और ढूंढने में जब ढूंढा जा रहा है तो बड़े मुश्किल से मिल रहा है। चाहे वो घर की चाबियाँ हो, चाहे वो बाइक की चाबी हो, चाहे वो कार की चाबी हो, तो आदमी रख के भूल जा रहा है और खोजने वाला आदमी खोजता ही रह जा रहा है। तो फिर मैंने इसको ऑर्डर किया। अब ये किस तरह से मुझे रिसीव हुआ है ये आप देखिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आ रहा है, या फिर धीरे धीरे वीडियो में अगर आपको ये लगे कि हाँ ये बढ़िया है और मुझे बढ़िया लगा, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ख़रीद लीजिए। वैसे इसको जब मैं ख़रीदने के लिए मैंने पहले की होल्डर सर्च किया, वहाँ पर जैसे ही मतलब आप ख़रीदारी कैसे कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट्स आपको लेना हो सर्च करें उसका नाम, जैसे ही वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आता है, अलग अलग दुकानदार लोग उसको बेच रहे होते हैं, अलग अलग प्राइस में अलग अलग डिज़ाइन भी अवेलेबल रहते हैं। अब वहाँ पर आपको रेटिंग डालना है 4+, ठीक है। 4+ जैसे ही मैं डालती हूँ वैसे ही बहुत सारे और भी आ जाते हैं। तो 4+ में जिसकी रेटिंग अच्छी है उसके अंदर हम लोग को जा करके देखना है कितने लोगों ने उसको ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद उसका प्रोडक्ट्स कैसा आया है। तो ऑनेस्टली बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यू पड़े होते हैं, पिक्स होती है, वीडियो होती है, तो आप लोग देख करके समझ सकते हो ये प्रोडक्ट्स कैसा आएगा। और उसके बाद वैसा ही मैंने चेक किया, और चेक करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर ली। पेमेंट जब मैं ऑनलाइन करती हूँ तो इसका जो प्राइस है वो और भी मतलब 20-25 रुपये सस्ते हो जाते हैं। तो 195 रुपये में ही मैं इसको ऑर्डर करी। ये दो लकड़ी का आप देख सकते हैं पल्ला है, जो मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे समझ से परे था। लेकिन हाँ, जब मैं ऑर्डर करी थी तो मैं ये पक्का सोच ली थी कि ऐसा ही कुछ आएगा। वीडियोज़ तो नहीं थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा ही कुछ आएगा। और इसको जो भी करना है वो मेरे हस्बैंड ही करेंगे, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। मैं इसका ये जो होल है ना वो काउंट कर रही थी कि इसमें 5 ही है, जबकि उसके पिक्चर में दिखाया गया था कि 7 है। अब यहाँ पे भी 2 होल हैं जो कि बड़े बड़े हैं, तो मुझे लगा ये दीवार में जाएंगे, तो इसके लिए तो ड्रिल मशीन का ही यूज़ करना पड़ेगा और ये काम तो मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो मैं इसको देखी और सोच रही हूँ कि क्वालिटी तो बढ़िया है और ये भी बहुत बढ़िया है, साइन है, चमक है, ब्राउन कलर का, एकदम डार्क चॉकलेटी ब्राउन है ये, ठीक है। अब इसके साथ मुझे और भी प्रोडक्ट्स मिले हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये तो आपको मिल गया, ठीक है। अब स्क्रू वगैरह भी मिला है कि आपको मतलब कोई परेशानी ना हो इसको फिक्स करने के लिए। पहले तो मैं इसको सोच रही थी कि ये जो बड़ा वाला दिख रहा है प्लास्ट मतलब ये क्या वुडन, और उसके बाद ये जो पतला वाला है तो ये क्या फेविकॉल से चिपकाया जाएगा क्या, आखिर ये ऐसे क्यों दिया हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी चलो, वीडियो तो मैं बना रही हूँ बैठे बैठे, और यहाँ पर मैं इस प्लास्टिक को खोल करके देखती हूँ कि इसके अंदर आखिर मिला क्या है। तो जब मैं इसको ओपन करी तो मैं देखी कि अरे वाओ, इसमें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि काम की है, इसको वर्क करने में काफ़ी मतलब मदद मिलेगी। तो 2 है इसका ये प्लास्टिक वाला जो कि होल में जाएगा, और उसके बाद इसी के अंदर जो है ना वो कील जाती है और फिर इसको कस दिया जाता है, ठीक है, पेचकस से। तो आजकल मेरे घर में काम लगा हुआ था तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है। अब यहाँ पर 2 जो है ना, 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 जो है ये इस तरह से ब्लैक ब्राउन कलर की ये कील दी हुई है जो कि स्क्रू वाला ही है। अब मैं बैठे बैठे गिर रही थी, ऐसे ही बैठे बैठे गिरी, और ऐसे ही मेरा नेल पॉलिश भी गिर गया था, ब्लैक कलर की जो नेल पॉलिश की वीडियो थी, और पूरा फ़र्श मेरा गंदा हो गया था। नेल पॉलिश रिमूवर पैड से पूरा फ़र्श साफ़ करे थे, और यही गलती फिर हो रही है। अब यहाँ पर 4 जो कील है आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो दिखा रही हूँ ये हुक है, जो अभी मैं बताई कि ये जो है की होल्डर, तो इसमें 7 था लेकिन यहाँ पे 5 ही छेद है, और उसके हिसाब से 5 ही हुक भी आया है। तो यहाँ देखिए ये स्टील का है, और ठीक है,
और काफ़ी अच्छी भी दिख रही थी। तो इस तरह से ये हुक है 5। तो यही प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे मिले हैं, यानी कि 2 लकड़ी का चीज़ है, 4 कील है, 5 हुक है और 2 प्लास्टिक का वो क्या उसको बोलते हैं, हाँ, जिसमें आप ड्रिल मशीन से छेद करोगे फिर उसको डालोगे फिर उसी में वो कील जाएगी और फिर वो टाइट होगी। तो ये सारा कुछ मैं उठाऊंगी और उठा करके लेके जाने वाली हूँ अब हस्बैंड के पास। हस्बैंड अभी भी घर पे ही है अपने कमरे में, तो मैं सोची चलो अब उनको दे देती हूँ कि मेरा आ गया। वैसे एक दिन पहले ही आया था, तो मैं सोची चलो जब मैं अगले दिन नहा करके ऐसे सूट वगैरह पहनूंगी तो फिर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इवनिंग टाइम में ये आया था प्रोडक्ट्स। हस्बैंड को यहाँ पे दे दी, अब वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा जो काम था वो अनबॉक्सिंग करना था और आपको दिखाना था, अब इसके बाद का जो काम है वो इनका है। तो मैं इनको दे दी, तो अब ये बोल रहे हैं अब तू वीडियो बनाओगी। मैंने बोला हाँ वीडियो तो बनाऊंगी। मैंने अपने यूट्यूब के पैसे से लिया है इस प्रोडक्ट्स को, तो वीडियो तो बनाना बनता है ना। तो यहाँ पे ये सारा कुछ इन्होंने स्क्रू से कस दिया है। और इतना काम होने के बाद अब ये ड्रिल मशीन से दीवार में लगा देंगे, जिसकी वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन का काम हो गया और ये इस तरह से वहाँ पे कुछ लोग तो फ्लावर भी रखे हुए थे, लेकिन मेरे पास फ्लावर वगैरह कुछ था नहीं, तो गेट से ऐसे अंदर आना है और यहाँ पे चाबियाँ ऐसे लटका देनी है, जो भी चाबियाँ होंगी। फ़िलहाल अभी इतनी ही है, एक घर की चाबी है, एक बाइक की है और एक कार की चाबी है। और ऊपर मैंने ना वो पिगी बैंक रख दिया है, मतलब वो पैसे रखने वाला, अभी उसमें पैसे नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे रख दियो, कोई चोरी करके ले जाएगा पैसा। मैं बोले इसमें पैसे ही ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है और बस वीडियो बनाऊँगी फिर इसको वापस घर में रख दूँगी। तो अभी मैंने ना मीशो से फ़्लावर ऑर्डर किया है, तो फ़्लावर भी कुछ दिन में आएगा। फ़्लावर पॉट, 2 फ्लावर पॉट है ऑर्डर किए हैं मैंने इसी के ऊपर रखने के लिए। तो देखिए कैसे आते हैं वो, जब वो भी आएंगे तो मैं इसी तरह से आप लोगों को अनबॉक्सिंग की वीडियो दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय।